माने रहीम मंच पे उपस्थित लद्दाख के सभी लोकप्रिय नेता, लद्दाख वासियों मेरे आगे बैठे मीडिया भाई बंधुओं सबको सलाम जुले नमस्कार। मैं सैयद आइनुल हुदा अल हुसैनी एज ए रिप्रेजेंटेटिव करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस आज इस मंच से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को लद्दाख वासियों की वो मन की पीड़ा, वो दुख व्यक्त करने आया हूं। हमारा ये मानना है कि शायद माननीय प्रधानमंत्री जी तक हमारी जो संदेशा, हमारी जो मांग है उसको पहुंचने में कई सारी कारण रही होगी, जिसमें भाषा हो सकती है, जिसमें स्थानीय दूरी की वजह हो सकती है, जिसमें हमारी बीच की जो रिप्रेजेंटेटिव होती है उनको हमारी जो संदेश उन तक पहुंचाने में सक्षम ना रही हो। इसीलिए आज लद्दाख वासी हजारों किलोमीटर चल के दूर आज इस देश की राजधानी दिल्ली के स्थान पर, जहां संसद भवन से 2 किलोमीटर मात्र दूर, यहां पर अपनी मन की पीड़ा को व्यक्त करने आए हैं। लद्दाख वासियों की माननीय प्रधानमंत्री जी, जो यूनियन टेरिटरी आपने लद्दाख वासियों को प्रदान की है, वो यूटी जो विकलांग हो, जो अपाहिज हो, जिसका न सर हो न टांग न हाथ, माननीय प्रधानमंत्री जी आपको हमारी मन की पीड़ा सुनना पड़ेगा। ये बात सच है कि यूटी के अंदर जहां पे आज युवा परेशान है, बेरोजगारी बढ़ चुकी है और इसी यूटी के अंदर नौकरशाही राज कर रहे हैं लोकतंत्र की आड़ में। माननीय प्रधानमंत्री जी, वो पीड़ा कि जिसे सुनाने के लिए इतनी दूर हम आए इस मंच से, कि आज ये बात सच है कि लद्दाख के अंदर पर्यटकों की भीड़ लगी है, लेकिन यह बात भी सच है कि कूड़ों की अंबार लगी है, वहां की पर्यावरण नष्ट हो रही है, पानी की कतरे कतरे बूंद के लिए वहां की जनता सिमट रही है, लेकिन वहां पर बैठे नौकरशाह हमारी आवाज पर जून की कान तक नहीं समझती। माननीय प्रधानमंत्री जी, ये बात सच है, शायद आज हमें दिल की मन की पीड़ा के साथ बताना पड़ रहा है कि आज संसद भवन में कोई अपोजिशन लीडर लद्दाख की बात कर रहा है, लेकिन हमारे द्वारा चुनी हुई हमारा सांसद हमारी दिल की पीड़ा, हमारी बात को संसद में उठाना भी बेहतर नहीं समझता। माननीय प्रधानमंत्री जी, सवाल करिए, प्रश्न पूछिए उनसे कि वो लद्दाखियों की इन बात को आप तक क्यों नहीं पहुंचाती, कि जो समाज सेवक और जो अनकंडीशनली लद्दाखियों के लिए एक ऐसी टर्निंग पॉइंट पे लद्दाख वासियों के लिए खड़ा है, उन पर ये इल्जाम लगाना, ये एलिगेशन लगाना कि ये डोगी है, कि ये नाटक कर रहे हैं, हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज ये बात सच है, जहां आप नारा लगाते हैं, जहां पूरे भारत देश को बताते हैं कि एक ऐसा युग है ये कि जहां हवाई चप्पल पहनने वाले भी हवाई यात्रा करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज लद्दाख वासियों के साथ ये अत्याचार कि लद्दाख वासियों की मजबूरी को एयरलाइन कंपनी वाले अवसर में बदलकर 60,000 रुपये आज एयरलाइन के टिकट बेच रहे हैं, युवा बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, 12,000 नौकरियां देने की जो आश्वासन आपने दिया, आपके सांसद द्वारा हमें दिया गया था, आज 300 रोजगार और जॉब की भी वहां पे वैकेंसी अभी तक ना निकली है। बड़ी निराशा के साथ कहना पड़ रहा है कि देश के और लद्दाख के निवासी युवा आज डिप्रेशन में, फ्रस्ट्रेशन में। आखिर
इसी के साथ मैं आपसे नमस्ते कहना चाहता हूं, इसी उम्मीद और इसी आशा के साथ कि माननीय प्रधानमंत्री स्वयं खुद लद्दाख वासियों की इन चार मांगों पर, जहां पे पूर्ण राज्य, जहां भूमि की जो हमारी सुरक्षा हो, जहां युवाओं को रोजगार मिले, जहां हमारी लोकतंत्र को फिर से जिंदा किया जाए लद्दाख के अंदर, और लद्दाखियों की मांगों का मान सम्मान रखकर आप गृह मंत्री जी अमित शाह जी स्वयं व्यक्तिगत तौर पर हमारी इन मांगों पर विचार करें और इन्हें स्वीकार करें। जय हिंद, जय भारत।